ஆண்டுமண்டலாகாரம் வியாப்தம் யேன சராசரம் தத் பதம் தர்ஷிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீ கர்ணசாகர் பிரபுஜிகே பிரேம் பக்தி சுபந்து பாயோர் பேனோ தோ பஜன் படை சுந்தர் ஹம்னே காயா ஆத்மீர் படி ஹமே एक प्रकार से वातावरण बना भक्ति का. एक भजन था हमारे लिए चुनौती, उस चुनौती को से हम क्या कर मुकाबला कर सकें. क्या था? हे प्रभु, हम आपके अंदर ऐसे घुल मिल जाएं जैसे कि नमक की डली पानी में घुल जाती. बड़ा मुश्किल है ऐसा मन बनाना, और ये योग का लक्ष्य ही है कि न हम रहे न तू रहे, एक ही हो जाए सब दोनों. और यही तो शुरू से समस्या आ रही थी. जब से सृष्टि बनी तब से मनुष्य के सामने यही समस्या आती रही. हम वेद पढ़ते हैं, वेद पंचाशती हम पाठ करते हैं, आपके सामने पुस्तक है, उसमें 6 मंत्र हैं. यही कहते हैं कि ये मन जो है बड़ा शैतान है, पता नहीं कहाँ जाते हैं. जागृत तो वेद का मंत्र है, वो 6 मंत्र में से पहला मंत्र. आप पुस्तक लेके पुस्तक पढ़ लेना, वेद पंचाशती यहाँ है छपी. जब जागृत हो दूरम उदयति दैव, वो पता नहीं क्या देवता है हमारे अंदर घुसा हुआ. जब जागृत हो दूरम उदयति दैवम, वो हम जागे हैं, सचेत हैं, होश में हैं, पर वो भाग जाते हैं, हमें धोखा देके भाग जाते हैं. जब जागे तो दूर हम हो जाते, पता नहीं वो कैसे देवता है, कोई भूत है, क्या है, हमें भाग के चल जाते. अच्छा भाई सो जाएंगे तब तो रहेगा, तो वो सुप्त सुप्त है व्यक्ति, सोए हुए भाग जाते. ये है आज की समस्या नहीं है, ये सतयुग की समस्या है. जो ऋग्वेद लिखा गया था उसको ऋग्वेद का मंत्र ऋषियों ने लिखा. इस बात और जो है सब ने ऐसे ही कहा. अर्जुन को भगवान कृष्ण उपदेश कर रहे थे, ये वेद के बाद ये समय आया द्वापर त्रेता का, तो उसमें अर्जुन कहता है महाराज मुझे उपदेश मत दो, मैं इस काबिल हूँ कि आपको उपदेश कराने करना. चंचल भी मना कृष्ण परमार्थी बल विद्युल, हे भगवान ये मन जो आप कहते हैं योग करो योग करो, ये बड़ा चंचल है, बस नहीं आता. फिर चंचल नहीं परमाथी, परमाथी मतलब आपने सुना होगा मदानी, मदानी जिससे रस्सी लटकते हैं. और वो मदानी भी ऐसी नहीं अलौकिक मदानी, जो बिजली की मदानी से भी तेज है. आप कभी देखा रस्सी जो लटकते हैं तो इतनी जोर से चलती है कि बस वो दे क्या चाटी भी हिल जाती है. वो हमारे अंदर चल रही है. भगवान यह ग्रंथ कहता है, गीता कहती है, चंचलम ही मना कृष्ण परमाथी बल विद्र, बड़ा बलवान है और इसको हम चाहते हैं काबू करना. ये बड़ा भटी है, दृढ़ है, हम उसके सामने क्या है.
चंचले मना कृष्ण ब्रह्मावती बल विद्रम तस्य निग्रह मन्य, उसको काबू करना मैं तो समझता हूँ ऐसे है जैसे आंधी और तूफान को रोक लेना। वो आती है तो मकान को गिरा के चली जाती है, तो हम क्या चीज है, बड़ा मुश्किल है। ये मन को वश में करना जिसमें हम कहते हैं हम भगवान में भूल जाए। और एक जल है, ये मनुष्य को इस तरह घुमाता है, इतना घुमाता है, चाहे इसे स्वर्ग में ले जाए, नरक में ले जाए, मुक्त में ले जाए। मना ही मनुष्य नाम कारण बंद मोक्ष, हम बस मान के आगे पर बस है। आज हमें नरक में ले जा सकते हैं, आज हमें मुक्ति में भी ले सकते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम भगवान के अंदर लीन हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो शास्त्र में आती हैं, इन के सामने फिर क्या करना क्या है, एक समस्या है, योग की समस्या है। इस समस्या को क्या हाल है कोई? और मन का स्वभाव क्या है? मन है क्या? चुप करके नहीं बैठता। अगर अंदर भी है तो चुप करके बैठेगा। संकल्प विकल्प आत्मा का मना, कभी प्लान बनाता है, कभी गिराता है, कभी बनाता है, कभी दिन रात ये चलता है, मैं ये करूँगा, नहीं मैं ये करूँगा। कौन? मैं नहीं कहता, मन कहता है। संकल्प विकल्प आत्मा का मना, मन का रूप क्या है दिखलाई नहीं देता, मगर है वजूद इसका। वो क्या? संकल्प विकल्प आत्मकम, संकल्प करता है विकल्प करता है। तो ऐसा स्वभाव है मन का कि हम इसको वश कर सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, भादू बन गया, उसके डिफिकल्टी को आती थी यही था कि हर एक मुश्किल का हल है, हर ताले की एक ताली है, तो इसको भी होना चाहिए। अब यही समस्या क्या हो, इसकी ताली कौन सी है? तो हम जैसे लोग नहीं कह सकते। इसका उत्तर भी शास्त्र में है। जब वेद ये कहता है कि ऐसा है कि भाग जाता है, दूर चला जाता है, तो उन्हीं शास्त्रों के अंदर इसकी कोई हल भी दिया हुआ है। ये नहीं कि हमें ऐसे वीरान में छोड़ दिया। इसके चार हल शास्त्र में दिए, चार। एक है भक्ति द्वारा, एक है तपस्या द्वारा, और एक है अभ्यास द्वारा, और एक अच्छे विचारों द्वारा। पहले वेद को ले लें। वेद कहते हैं अगर मास में करना है तो भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे विचार अच्छे हो जाए। जागृतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्त सुतैवेति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योति रेगम तन में मना शिव संकल्प। वेद कहते हैं इसको अपने विचार अच्छे बनाओ। अच्छे विचार बनाओगे तो मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। बड़े चोरों डाकियों को भी हम प्यार से बस कर सकते हैं। ये प्यार की बात है। करो अच्छे विचार लाओ, शिव संकल्प
दुनिया का भला हो, शरबत का भला हो, किसी से बैर न रखो, ऐसे ऐसे अच्छे विचार आते रहेंगे। एक तुझे गीता में भी बताया है, वो भक्ति का तरीका, मन मना मन मन मना मद भक्त मद यादि मा मनुष्कुरु मा में वेशुषी। तुम कहते हो पानी में मिल जाना, मेरे मिल सकते हो। मन मना मन भक्त मद यादि मा मनुष्कुरु मा में वेशुषी युक्त एवं आत्मनम मत परायण, मत परायण हो जाओ। मत परायण मैंने मेरे पर तुम्हें मेरे स्वा कोई दिखलाई ना, तत्पर होता है तत्पर हो जाना, तो तत्पर शब्द का यह है मत परायण, मेरा अर्पण हो जाओ। ये भक्ति का तरीका है, ये नहीं कि उपाय नहीं है, उपाय है भक्ति। मन मना, तुम्हारे मन के अंदर में बस जाओ, मेरे मन में बस जाओ राम प्रभु, मेरी आंखों में बस राम प्रभु कहते हैं। तो हम कोशिश करें कि मन के डब्बे में भगवान को बंद कर लें और निकलने दें। यह मन मना, और मन मना मत भक्ता, अब भक्ता मेरे भजन करते रहो, फिर ये नहीं कि रख लिया, मैं तभी रहूँगा अगर मेरे गीत भी गाते रहोगे तो मन के अंदर राम 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 करते रहोगे, छोड़े नहीं कभी। और मत याजी, जो भी कुछ करोगे अच्छे कर्म मेरे अधीन होकर करो, मत मेरे लिए करो। हमारे महाराज जी थे, कहते थे हम बाजार जाते हैं ना, ये देखते हैं कि अपने प्रभु जी के लिए क्या ले जाए, चित्र है तब आप प्रभु जी को मुकुट बनाएंगे, कोई मुकुट ले आते बना लेते, कोई माला ले आते बनाते, सोचते मेरे लिए। अब प्रभु जी की कुछ ही जरूरत नहीं होती, पर बाजार जाएंगे प्रभु जी के लिए हार ही ले जाए, प्रभु के लिए प्रसाद ही ले जाए। ना हार की कीमत है ना प्रसाद की कीमत है, कीमत है कि प्रभु जी के लिए ले जाना है। जैसे बाजार जाते हैं ना, मैं कलकत्ते गया, देखो माता जी के लिए साड़ी ले आया, भाई माता जी के लाने की जरूरत नहीं, प्रभु जी के ले कर, प्रभु के क्या लाया, कुछ मिला है। तो ये है मत जा जी, माम नमस्कार। हम देखते थे महाराज जी के पास रहते थे, तो स्वामी जी महाराज स्कूली विद्या कोई नहीं थी, पर बड़ी ऊंची बातें करते थे, किताबें लिखवाते थे, पर मैं कहाँ से आ गया। मैंने देखा दिन में 10-10 बार प्रभु जी को दंडवत करना कि आप ही कृपा से जाना, माम नमस्कार, मुझे बार बार नमस्कार करो। हम एक बार मत्था टेक दिया, बड़ा हमने प्रभु जी को मत्था टेक दिया, मेरे गुरु जी बार बार मत्था टेक, उनको दिखलाई देते प्रभु जी बैठे हुए, हमें तस्वीर नजर आती है, उनको भगवान नजर आते थे। ये है प्रभु जी को हृदय बसाना, भगत होना। मत जी माम नमस्कुरु माम वेशुषी, कहते फिर ऐसा होगा तो मेरे ही प्राप्त हो, माम वेशुषी वो नमक पानी में घुल जाएगा, माम वेशुषी
और मत मुक्ता मेरे में मिल जाओ, फिर मुक्ति होगी। अब मुक्ति होगी तो मन भी ना रहा, जो वास करना वो मन रहा ही नहीं। ये है गीता, ये गीता का मत पराय ना, फिर मेरे लिए बन जाओगे। ये एक युक्ति है कि अगर हम चाहते हैं मन को वश में करना तो ये भक्ति का रास्ता है। वो रास्ता था वेद जो बतलाता है, तन में मना शिव संकल्प मस्तु, वो मन शुद्ध संकल्प हो जाए तो शायद भगवान का सोचने लग जाए। और ये भगवान की भक्ति करे करे, मत पराय ना, मेरे पराय अर्पण कर दो अपने आप को। अब गीता में और भी बताया है, अगर हम नहीं भक्ति कर सकते तो भक्ति नहीं कर सकते तपस्या करो, तब से भी हो जाता है। यत्न करना तो समय यत्न करना, तो क्या यत्न करें। वो है मन प्रसाद सौम्यत्व, मन प्रसाद मन को निर्मल करो, बुरे विचार आते हैं तो निकालो, साफ करो मन को। ये कोशिश करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं बुरे बुरे सपने आते हैं, मिल जाते हैं हमें, मकान किसी ने खरीदा है मेरे में से लड़कर खरीदा है तो मुझे वो ही नहीं भूलता। मन के अंदर गंद गंद भरा पड़े है, मन प्रसादा मन को साफ करो, कोशिश करनी पड़ेगी। मेरा हम कहते हैं तुम्हारा कोई झगड़ा है ना, हार जाओ मत जीतो, ये सबसे बड़ी चीज है। मैं वापस लेता हूँ झगड़ा, तुम जीत गए मैं हार गया, ये तपस्या है। ये है मार्ग तप का, कुर्बानी करना। मन प्रसाद सौम्यत्व, सौम्य का मतलब है कि मन को कोमल रखना, कठोर नहीं, कभी गुस्सा है तो उसको दबाना, सौम्य मन होना। और मौनम, मननशील होना और जुबान पर काबू रखना। अब मन कभी गुस्से में आता है तो फिर भी ना बोले, ये तपस्या का मार्ग है। किसी ने गाली दे दी तो हम चुप कर रहे, अगर भगवान की मन को वश में करना है तो मन को, मन ऊपर से है दबा लो। ये तपस्या का मार्ग है, कुछ बड़ा सहन करना पड़ेगा ना इसमें। तपस्या के मार्ग में गीता कहती है करो, मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्मविग्रह, आत्मविग्रह अपने अंदर को अपनी कॉन्शियस को दबाना कि गलत मार्ग ना चले, अपने विचारों को शुद्ध करना, ये सारा आत्मविग्रह में आते हैं। भाव संशुद्धि, अपने भावों को शुद्ध करना, वो जैसे वेद में कहा है। तो तब वो मानसम उच्चते, ये मान का तपस्या है। तो मैंने कहा भक्ति द्वारा फिर तप द्वारा, ये गीता का स्तर में अध्याय का सोलवा मंत्र हो गए। पहला था वो नौवें अध्याय का
33वां श्लोक था। गीता में जगह जगह आपने उदाहरण दिया। और एक यानी कि वेद में शिव संकल्प बतलाया, गीता में भक्ति और तप बतलाया, योग दर्शन में भी बतलाया, वो है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास गीता भी बताती, अभ्यास ने तो वैराग्य ने अभ्यास और वैराग्य से है। वेद योग दर्शन का सूत्र है और गीता का श्लोक है। जब कृष्ण अर्जुन पूछता है कि मन को वश में करना कैसे करें, तो वहाँ यही उत्तर देता है अभ्यास और वैराग्य से भी है। गीता के अंदर तीनों उपाधि हैं, भक्ति का भी, तप का भी और अभ्यास का भी। अभ्यास ने तो कौन थे, वैराग्य ने जो गिरीयते दो, जो मैंने और एक भी नहीं, अभ्यास ने तो कौन थे वैराग्य ने जो गिरीयते। अभ्यास करो वैराग्य करो। अभ्यास तो योग की चीज है, धारणा करनी, ध्यान करना। जब मन भागता है तो अगर हम अपने लक्ष्य की ओर, अपने इष्ट की ओर बैठ जाएं, ध्यान करें, मन ना जाने दें, तो मन को एकाग्र होने का अभ्यास बनेगा। और वही धारणा से ध्यान, ध्यान से समाधि हो जाता है। समाधि का मतलब ही मन को एकाग्र करना, जाएगा कि नहीं, चाहे कितने घंटे बैठ रहे, अपने इष्ट में ही समा जाएगा मन। जैसे नमक पानी में समा जाता है, अपने इष्ट में मन समा जाएगा, रहेगा नहीं। लेकिन कैसे होगा, साथ वैराग्य भी करना पड़ेगा। वैराग्य का मतलब है मोह का त्याग। वो बैठे हैं तो घर याद आ जाता है, ऐसा वैराग्य हो कि मेरा कुछ भी नहीं है। ये गीता में हम पढ़ते हैं आखिर में जो आता है ना, जनक की तरह बनना है, चौथे चैप्टर में वहां होता है मेरा कुछ भी नहीं है। उसको कहते हैं ज्ञान कर्म संन्यास। एक होता है कर्म योग, एक उस आगे चलता है कर्म योग का अध्याय आपको दूसरा मिलेगा, और कर्म संन्यास का चौथा मिलेगा। तो तीसरा मिलेगा पहले कर्म योग का, और उसके आगे कर्म संन्यास का चौथा मिलेगा। कर्म योग क्या होता है, कर्म संन्यास क्या होता है? कर्म योग होता है अपना कर्तव्य समझकर कर्म करना, इच्छा नहीं रखनी। मैं काम कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य है कर्म करना, मैं अपना को ड्यूटी कर रहा हूँ, इच्छा क्या है। मगर आगे सवाल आता है ऐसा करोगे तो करने से कुछ तो मिलेगा, और फिर उसमें तुम्हारी इच्छा हो जाएगी, फिर वैराग फिर खत्म हो गई। कहते तो वो फल की इच्छा ना करो, मेरा कुछ भी नहीं है। जब घर छोड़ दिया तो मेरा क्या रहा, मेरा कुछ भी नहीं ना। पहले भी वैराग, बाद में वैराग, कर्म है। उसको कहते हैं ज्ञान कर्म संन्यास, फल का भी संन्यास। पहले कर्म में संन्यास है, फिर फल में भी संन्यास। तो ये है मोह का त्याग, वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास भी करो और वैराग्य भी करो। ये नहीं कि मैं समाधि लगा रहा हूँ मुझे सिद्धि मिलेगी, सिद्धि के लिए भगवान को याद करने के। तो इस प्रकार ये चौथा उपाय बतलाया है। ये योग दर्शन में भी है, कह भी है पतंजलि ऋषि का भी और गीता का भी है, मन को वश में करने। अब मन को वश में करने के लिए तो कितने उपाय हैं, जहाँ ये अब क्या कि वेद से लेकर आज तक शास्त्र हम सब जानते हैं कि मन में वश नहीं किया जा सकता, मगर उसका उपाय भी बतलाया है कि करो, नथिंग इज इम्पॉसिबल।
इम्पॉसिबल तो हमारे डिक्शनरी में नहीं है, जैसे नेपोलियन ने कहा था, तो हमारे डिक्शनरी नहीं होना चाहिए। योगी क्या हुआ जो जिसके समय ये कहा यह मैं नहीं कर सकता, तो हमें करना है। पर मन जो है देखो हमारे अंतःकरण के चार हिस्से, मन एक है उनमें, और पांचवा शरीर। ये सारी समस्या हमारे पास मन वास पास नहीं है, शरीर भी समस्या है, वो भी योग साल बहुत, वो तो आप जानते हैं। अच्छे आज हम बीमार हैं ना, मगर कहा है योग का लक्ष्य है जरा मरण से बचना, ना आदमी बुरा हो और ना मरे, ये योग का लक्ष्य है। भगवान शंकर चिरंजीवी हैं, प्रभु जी चिरंजीवी हैं, नहीं मरते, शरीर बदल लेते हैं और नहीं बूढ़े होते, जरा मरण का भी हल है शरीर का। और अंदर क्या है, बाहर जो शरीर है ये 10 इंद्रियों का समूह है, इंद्रिय का नाम अंतकरण है, बाहर 10 करण है और अंदर 4 करण है, अंतःकरण चतुष्टि, उनमें एक मन है। अब मन के ऊपर तो इतना मुश्किल पड़ गई, और भी हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, बुद्धि चित्त अहंकार तीन और हैं, हर एक को टैकल करना है योगी ने। अब तीनों के बारे में फिर कभी बताएंगे कि चित्त क्या, बुद्धि क्या और अहंकार क्या है, इनको भी वश में करेंगे तब हम पूरा योग करेंगे, शरीर को इन चारों को। तो हम प्रभु करें कि हम निरुत्साहित ना हों, गीता वेद में दिए हुए जो उपाय हैं उनका प्रयोग करके अपने मन को वश में करें, तब योगी बनेगा। योगी कैसे बन सकते हैं कि मन ही वश में नहीं है, तो फिर तुम क्या होगा जो आज हैं, डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, आज डिप्रेशन इसलिए मन हमारे काबू में नहीं है, और झगड़े झूले जो हैं, घर की चिंता है, वो चिंता है, तो वो कैसे, वो तभी मिटेंगी जब हम मन को वश में करेंगे। मन के रोग शरीर को दबा लेते हैं, और शारीरिक चिंता दुख जो है मन के ऊपर है। तो प्रभु जी योग दिया हमने, प्रभु जी ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम ग्रहण नहीं कर सकते। एक रुपये में से एक पैसा भी नहीं ले सकते, सोमा हिस्सा भी नहीं लेने का बल, पर कुछ तो लें। यही आज विषय हमारा, प्रभु करें हमें कुछ थोड़ा समर्थ आए, कुछ इनसे लें, बहुत बड़े हमें भगवान मिले लेकिन हम उनसे भी ना कुछ लें, तो ये अवश्य कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहिए। हम अभ्यास करें, भक्ति करें और उनकी शरण में रहें, दुनिया की परवाह ना करें, भगवान का परवाह करें। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु।